MBA करना है? इंडिया के हर गली कूचे में एक MBA कॉलेज खुला हुआ है, और कई कॉलेज तो MBA कॉरेस्पॉन्डेंस से करवाते हैं। लेकिन क्या इस तरह MBA करने का कोई फायदा है? क्या इससे आपको एक अच्छा करियर मिलेगा? आंसर है नहीं। अगर ट्रू सेंस में करियर बनाना है तो MBA करनी चाहिए टॉप कॉलेजेस से। एंड यस, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स ऑफ गेटिंग एडमिशन टू एन MBA कॉलेज ऑफ योर चॉइस इज टू गिव कैट एग्जामिनेशन, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। हेलो एंड वेलकम गाइज, आई एम CSCSCM में निखिल गुप्ता, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डीप डाइव इनटू द मोस्ट सॉट आफ्टर करियर ऑप्शंस इन द कॉमर्स स्ट्रीम, दैट इज MBA। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर आप MBA करने का सोच रहे हैं तो कभी ना कभी आप सबने कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि कैट का नाम तो सुना ही होगा। अगर आप इंडिया से MBA करना चाहते हैं तो मल्टीपल एग्जाम्स के थ्रू आप 20 स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कैट, जैट, एनमैट, स्नैप और जीमैट। उसमें सबसे फेमस एग्जाम है कैट का, जो हर साल रोटेशनल बेसिस पे डिफरेंट IIMs ऑर्गेनाइज करवाती है। एवरी ईयर लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स राइट कैट एग्जामिनेशन, बट ओनली अ फ्यू थाउजेंड मेक इट टू द टॉप बी स्कूल्स। इससे ये आइडिया तो लग ही गया होगा आपको दैट इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एंड मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विच इज हेल्ड इन द कंट्री। और अगर आपको इस कॉम्पिटिशन में एक स्टेप आगे रहना है, देन यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस एग्जामिनेशन सो दैट यू कैन मेक अ स्ट्रैटेजी एंड स्टार्ट योर जर्नी ऑफ कैट प्रिपरेशंस। तो अगर आप MBA की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। कैट एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन? इट्स सिलेबस, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, उनका वेटेज क्या है, मार्किंग स्कीम क्या रहती है, कट ऑफ क्या होती है, ये सब सवालों के जवाब आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर कैट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कौन कौन इस एग्जाम को देने के एलिजिबल है? जो भी एस्पिरेंट ये एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, दे शुड फुलफिल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशन नंबर वन, कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री इन एनी फील्ड लाइक BCom, BSc, बैचलर्स इन डिजाइन, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग एटसेट्रा विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। एलिजिबिलिटी नंबर टू, कंप्लीटेड प्रोफेशनल डिग्री जैसे CA, CS, CMA, FIAI विद रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नंबर थ्री, दे शुड बी इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री विद रिक्वायर्ड परसेंटेज। अब आप सब सोच रहे होंगे कि सर ये रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होती है? फॉर जनरल EWS एंड NC OBC कैंडिडेट्स द मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज इज 50% एंड SC ST PWD कैंडिडेट्स शुड हैव मिनिमम मार्क्स ऑफ 45%। सर ये एग्जाम कब होता है? साल में कितनी बार होता है? ये एग्जाम साल में एक बार होता है एंड यूजुअली जनरली इन द मंथ ऑफ नवंबर। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि व्हाट इज द पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ कैट एग्जामिनेशन? दोस्तों कैट एग्जाम में तीन सेक्शंस होते हैं। नंबर वन, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है VARC। सेकंड, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है DILR। थर्ड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब QA। QA एंड DILR का पर्पस आपके एनालिटिकल एबिलिटी, डेटा क्रंचिंग एबिलिटी और कंसेप्ट को टेस्ट करना है, एंड दैट टू इन अ लिमिटेड टाइम स्पैन। तो नेचुरली आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी चेक हो जाती है। टॉकिंग अबाउट VARC, द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इज टू चेक योर कमांड ओवर द लैंग्वेज। अब अगर सिलेबस की बात करें तो नाउ वी विल डिस्कस द ब्रॉड टॉपिक्स कवर्ड अंडर ईच ऑफ दीज सेक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉकिंग अबाउट VARC, इट जनरली कंसिस्ट ऑफ फोर मेजर टॉपिक्स। नंबर वन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नंबर टू, पैरा जंबल। नंबर थ्री, पैरा समरी। नंबर फोर, ऑड सेंटेंसेस आउट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अप्रॉक्सिमेटली 70% वेटेज रखता है इन VARC सेक्शन, एंड RC के टॉपिक्स भी डाइवर्स रहते हैं लाइक पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, साइंस एटसेट्रा। सो यू शुड डेफिनेटली रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स टू गेट अ गुड ग्रैस्प ओवर दिस सेक्शन।
पैराजम्बल एंड ऑर्डरिंग सेंटेंसेस की बात करें तो इसमें बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. फर्स्ट, जिसमें आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो, एंड सेकंड, जिसमें यू हैव टू फिल इन द आंसर्स, दैट इज टाइप द आंसर्स इन द क्वेश्चंस. टॉकिंग अबाउट पैरा समरी, अ पैराग्राफ गिवन अलॉन्ग विद मल्टीपल ऑप्शंस एंड यू विल हैव टू चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट समराइजेज द गिवन पैराग्राफ. नेक्स्ट सेक्शन इज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, also called as DILR. The syllabus of this section is not very well defined, but agar ek overview dekhen, to DI mein tables, bars, graphs, pie charts are the common syllabus content. LR, yani logical reasoning mein, questions from topics like coding, decoding, blood relations and family tree, directions, games and tournaments, arrangements, order, and ranking, etc. usually exam mein aate hain. Questions in DILR are generally complex, therefore practice is the key. Kehte hain na, practice makes a man perfect. Ab agar quant section ki baat kare to, is section ke kuch aspirants jaise engineering bahut easily is wale section ko kar jate hain, aur kuch aspirants jinka background hai say humanities ya commerce, unhe thoda sa difficult lagta hai. But if prepared with the right strategy, it can become manageable, if not easy, for the aspirants of any educational background. Quant section includes broad topics like arithmetic, algebra, number systems, geometry, mensuration, and modern maths, which itself has subtopics. ये आपको कुछ 10th तक के math syllabus जैसा लग सकता है, लेकिन topics similar जरूर हैं. Difficulty level बहुत ज़्यादा high है. Let's go deeper into the pattern of the examination. मतलब questions कितने आते हैं? Marking scheme क्या है? There is no fixed number of questions that are asked every year, and even time allotted is not fixed. Yes, it changes every year. For example, in the year 2019, 100 questions were asked and the time allotted was 180 minutes. 2020 में approximately 76 questions पूछे गए थे और आपको समय मिला था 120 minute. और 2021 की बात करें तो approximately 66 questions पूछे गए थे and the time allotted was only 120 minutes. Therefore, one needs to be versatile in their preparation to tackle any situation. The marking scheme, however, has been constant for many years. Every correct answer carries 3 marks and every wrong answer carries a penalty of negative 1 mark. Negative marking doesn't apply to non-MCQ or type in the answer questions. The thing that you have to keep in mind is that the order of attempting sections is predetermined. Therefore, while solving the mocks, try to attempt the paper in the similar manner so that your mind gets trained to the pattern. Section starts with VARC followed by DILR and ends with quant. अब अगर कैट के कट ऑफ की बात की जाए तो ये एग्जैक्ट बताना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि डिफरेंट कॉलेजेस का क्या कट ऑफ रहेगा, एज डिफरेंट कॉलेजेस हैव डिफरेंट कट ऑफ्स. एंड इन फैक्ट फाइनल सिलेक्शन इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन कैट परसेंटाइल बट ऑल्सो ऑन डिफरेंट अदर फैक्टर्स लाइक 10th मार्क्स, 12th मार्क्स, ग्रेजुएशन परसेंटेज एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड ऑल्सो अदर फैक्टर्स लाइक जेंडर डाइवर्सिटी, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, co-curriculars and so on. Having said that, it doesn't mean that CAT percentile is not important. It is one of the most important factors that determines your admission at the top B schools. Now let's bust some myths surrounding the CAT examination. Kuch logon ko lagta hai ki agar unke 10th, 12th ya graduation mein achhe marks nahi aaye, to they will not be able to make to big top B schools like IIM, Ahmedabad, Bangalore, Kolkata, FMS, etc. However, this is true only to a certain extent. So, agar aapke 10th, 12th graduation mein kam marks aaye bhi hain, lekin aapke paas hai work experience, to aapko additional advantage milega. Aur agar ye dono bhi nahi hai, to bhi aapka chance B school mein jaane ka hai. So, performing great in CAT is the key. Kyunki there are some B schools which do not give much weightage to academics. And CAT score plays the most important role in that particular case. Agar aapne 10th, 12th graduation and CAT sab mein acha perform kiya,
तब तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, आपके चांसेस तो ऑलरेडी काफी अच्छे हैं। और दूसरे वेरिएबल्स जैसे GDPI, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, जेंडर डाइवर्सिटी एटसेट्रा 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 मे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर फाइनल सिलेक्शन। अब आपको कुछ हद तक तो आइडिया हो गया होगा कि ये एग्जाम किस तरह से आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो अगर तैयारी की बात करी जाए तो 7-8 महीने इज एन आइडियल टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड सम पीपल इवन डू इट विद इन 2-3 मंथ्स। हैविंग सेड दैट यू आर द बेस्ट जज टू अंडरस्टैंड हाउ मच टाइम वुड यू रिक्वायर टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। ये जानने के लिए यू कैन गिव मॉक टेस्ट एंड देन एनालाइज द पेपर एंड द स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली। वन ऑफ द वेज टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम कैन बी टू डिवाइड योर प्रिपरेशन इनटू 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज brushing all the concepts required to solve the problems. Second step is to practice different question papers and practice as much as possible. And the third step is to solve mock test papers in a timely manner and then analyze them properly. Having monthly, weekly, daily plans really helps. And if you can track your goals every day and complete your target, there is nothing that can stop you from getting into your dream top B school. Yes, IIM, ABC or rest of them. So always remember that hard work will never disappoint you. So stop doubting yourself. Work hard and make it happen. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अगर कैट से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं या आप कुछ ऐसे एस्पिरेंट से मिलना चाहते हैं जिन्हें आप चाहते हैं मैं अपने चैनल पे लाऊं और उनको इंटरव्यू में हम कुछ सवाल पूछ सकें, तो ऐसे सवाल भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन एज वेल।